ये आप देख सके कितने खूबसूरत है ये गुरुद्वारा। भिटशाह में जहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह वाक़ है, उसी से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पहले जो है एक गुरुद्वारा भी कायम है। तो यानी इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से जहाँ पर लोग मज़ारों को मानते हैं वहीं पर ही गुरुद्वारा भी है, और एक कुछ छोटा सा एक मंदिर सुना है वो भी यहाँ पर है। तो एक इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से ही एक बहुत बड़ा मैसेज है। वक्त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो मेला चल रहा है, उसी मेले के अंदर बहुत सारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और सिख भाई भी इस मेले के अंदर आते हैं। तो इसी वजह से भिटशाह के अंदर एक गुरुद्वारा है जिन्होंने भी अपना लंगर प्रसाद का इंतजाम किए हुए हैं कि जो भी लोग भिटशाह की दरगाह पर दर्शन के लिए आते हैं, ज्यारत के लिए आते हैं, ये भी अपनी तरफ से गुरुद्वारे वाले भी लंगर चलाते हैं। और इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से, बैनुल मजाहिब के हवाले से ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि जूनागढ़ के अंदर जब दातार बाबू का मेला होता है तो उस वक्त वहाँ पर शेरनाथ बाबू आश्रम और जूनागढ़ गिरनार वाले सारे के सारे अपने अपने स्टॉल्स लगा देते हैं, अपने अनक्षेत्र लगा देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह के जो 3 दिन का मेला है, उस मेले के अंदर गुरुद्वारे वालों ने भी अपना लंगर प्रसाद खोला हुआ है। तो ये जो हमारा सिस्टम सारा भाई ने बता दिया, यही है मेले के टाइम में हमारा जो गुरुद्वारा खुला होता है, दीवान कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी जितने भी यहाँ पे आते हैं ज्यारत के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे स्टे का सिस्टम और लंगर का सिस्टम, चाय का सिस्टम किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे मुस्लिम भाई है, सियासी समाजी इल्मी लोग, वो भी इधर आते रहते हैं विज़िट के लिए। और बड़ा ही इसकी एक अपना इतिहास है गुरुद्वारा साहिब भिटशाह का, जैसे गुरु नानक साहब जी का हमारा गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा है सबसे बड़ा सिखों का, तो उसका जो जड़ है वहाँ पे मियां मीर ने रखी थी। तो यहाँ की जो ईंट है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो भी गादी नशीन हमारे वकार हुसैन साहब, तो जब गुरुद्वारा हमारा शुरू हो रहा था बरामद, तो उन्होंने आके यहाँ पे उनका बुनियाद रखा था। तो ये एक इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से बहुत ही अच्छा पैगाम है कि गुरु नानक साहब जी ने जिस तरह मुस्लिम फ़कीरों को साथ रखा, उसी तरह फिर ये हमारा जो इधर एक साइड शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई तो फिर दूसरी साइड गुरु नानक साहब जी, तो दोनों ही बुजुर्ग इकट्ठे एक शहर में। फिर लंगर का सिस्टम जो है वो हमारा हर साल मेले में चलता रहता है, तो उसमें जो हमारे गरीब मस्किन मुसलमान हो, भील हो, बागड़ी हो, जो भी हो, किसी को मना ही नहीं होती। और फिर मेले के टाइम में ख़ास तौर पे जो सिस्टम बनाया जाता है, ज़्यादा लोग रखे जाते हैं, फिर लंगर भी तैयार किया जाता है ताकि आने जाने वाले लंगर करते हैं। धन्यवाद।